आपके आसपास में ऐसी जगह जरूर होती है जिसको आप कहीं ना कहीं एड्रेस के तौर पर यूज करते हैं। कोई लैंडमार्क होता है, कोई दुकान होती है, चौराहा होता है, कोई चौक होता है, या फिर आपका घर भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि अगर वो आपको मैप पे शो नहीं होता है, गूगल मैप पे सर्च करने पर नहीं आता है, लोकेशन वहां पे नहीं आती है आपके घर की, चौराहे की, दुकान की या किसी चौक की, तो आप कैसे उसको गूगल मैप पे जो है डाल सकते हैं, उसको गूगल मैप पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आ जाना है अपने गूगल मैप में और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सैटेलाइट मोड पे, आपको यहां पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां से इसको कट करना है और यहां से आपको जूम करके वहां पे जाना है जिस भी लोकेशन को आप गूगल मैप पे डालना चाहते हैं। उस जगह को सर्च करके आपको सिंपली उस जगह पे टैप करके रखना है। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहां से आपको इसको ऊपर कर देना है और यहां पे आपको देखिए देखने को मिलेगा एड अ मिसिंग पैलेस। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर ये आपका कोई बिजनेस पैलेस है तो वो यहां से ऐड नहीं होगा। उसके लिए गूगल की तरफ से एक पिन आता है जिससे आपको वेरीफाई करना होगा। लेकिन अगर ये कोई नॉर्मल जगह है तो आप फिर यहां से इसको ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहां पे पैलेस नेम डालना है। जैसे आप यहां से कोई भी पैलेस नेम डाल देंगे, उसके बाद आपको नीचे कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे इनको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहां से और भी बहुत सारी जो है कैटेगरीज आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैटेगरी सर्च करने के बाद यहां पे आप एड्रेस को सही करेंगे और उसके बाद आप अगर यहां पे अपने मैप की लोकेशन को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पे अपने आवाज़ देना चाहते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे फिल करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट आपको फिल करनी है या फिर जो ओपनिंग डेट है उसको अगर आप यहां पे जो है मेंशन करना चाहते हैं तो यहां पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई फ़ोटो ऐड करनी है प्लेस की तो आप यहाँ ऐड फोटोज़ पर क्लिक करेंगे, वरना आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये जो है सेंड हो गया है गूगल मैप्स को और कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं अगर ये जगह सही है तो ये फौरन वेरीफाई होकर अप्रूव हो जाती है। और दूसरा ये कि ये सर्च होने में जो आपको दिखेगी यानी जो शो होगी मैप पे, वो उसमें कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।